आपका SPN 9 न्यूज में, मैं हूं आपके साथ श्रुति। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़क गई। हाल ही में राजधानी के भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग, मौजपुर, जाफराबाद आदि इलाकों में CAA के विरोधी और समर्थक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुई हिंसा में 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से CAA मसले पर दिए गए भड़काऊ बयान के कारण हिंसा भड़की। इस मामले में मिश्रा के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की बात की जाए तो इन्होंने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गंभीर ने तीखे लहजे में कहा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या कोई और, भले ही वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, यदि उसने भड़काऊ भाषण दिया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बताते चले आपको कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा ने रास्ता खुलवाने के लिए भाषण दिया था। दरअसल 22 जनवरी को शाहीनबाग के बाद जाफराबाद और चांदबाग में रोड बंद किए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे कपिल मिश्रा ने धमकी दी थी कि दिल्ली पुलिस 3 दिन के अंदर रास्तों को खाली कराए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के बाद वापस जाने तक हम यहां से शांतिपूर्वक जा रहे हैं, लेकिन अगर 3 दिन में रास्ते खाली नहीं हुए तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद हम दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। बताते चले आपको कि दिल्ली नली में हिंसा के चलते मेट्रो की पिंक लाइन के 5 स्टेशन मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बंद है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने ट्वीट किया, जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद है। ट्रेनें वेलकम मेट्रो स्टेशन से आगे नहीं जाएंगे। CAA के विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के चलते जाफराबाद और मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन हाल ही में बंद किए गए थे, लेकिन बाकी 3 स्टेशन सोमवार को बंद किए गए। बताते चलिए आपको कि CAA को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं तो वहीं समर्थन में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब भाजपा नेता का जिस तरह से बयान सामने आया, जिस तरह से भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था, उस पर भाजपा नेता, भाजपा सांसद गौतम गंभीर का जिस तरह से बयान सामने आया है, ऐसे में अगर देखा जाए तो भाजपा नेता ही अगर बात करें तो एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भाजपा सांसद अगर गौतम गंभीर की बात की जाए तो उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान पर यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वही बताते चले आपको कि CAA को लेकर अभी भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।